बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको गाइडलाइंस के मुताबिक बताऊंगा कि आप एमसीक्यूज बेस्ड पेपर जो है उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और कई सारे टिप्स दूंगा जिनसे आप वाकई अच्छे स्कोर कर सकते हैं भले आपकी तैयारी ना हो। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले सर ने ये क्यों नहीं बताया। अगर मैं पहले आप लोगों से ये चीज़ें शेयर कर दूं तो आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा अल्टीमेटली अथेंटिक तो मेथड वही है। हाँ, एक बंदे की मजबूरी, उसको पेपर का पता ही नहीं था या उसको टाइम नहीं मिला, तो अगर सर पे आ गया पेपर और तैयारी नहीं है तो बजाय इसके कि वो पेपर को स्किप करे, ना दे पेपर, पेपर में ज़रूर जाए और पेपर में अपने नर्व का कंट्रोल करते हुए अपने आपको अपने माइंड को अपनी मेमोरी को यूज़ करे तो अच्छे तरीके से वो पेपर को अटेम्प्ट भी कर सकता है और पेपर में परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी हो सकती है अगर वो अपने आप पे कंट्रोल रखे और अपने माइंड से काम ले। सिर्फ ये ना सोचे कि मेरी तैयारी नहीं तो मैं क्वेश्चन सही अटेम्प्ट नहीं कर सकूँगा। तो आज के ट्यूटोरियल में जो मैं चीज़ें ए टू ज़ी लेके चलूँगा कि आप लोग जब इस इरादे से जा रहे हैं तो आपने क्या कुछ करना है और एंड तक पेपर में आपने टाइम कैसे स्पेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले तो जब आप पेपर के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी रोल नंबर स्लिप जो ऑनलाइन आप प्रिंट कर सकते हैं, तो रोल नंबर स्लिप जो है आपने वो प्रिंट करके ले जानी है साथ। ये दो पॉइंट्स आपने कि रोल नंबर स्लिप को प्रिंट करके आपने लेके जाना है। सेकंड नंबर पे अगर आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, डिस्क्रिप्टिव वाले पहले ही अपनी ट्रेजरी फॉर्म की एक कॉपी जमा करवा चुके हैं, आप दोबारा उनको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका एमसीक्यूज पेपर है तो आपने जो टीआर है जिस पे आपने एफपीएससी में फ़ीस जमा करवाई थी वो आपने लेके जानी है, और अपने घर में ही आप बेहतर है कि आप उसके बैग पे रोल नंबर लिख लें ताकि आपको बाद में भी जब आपका रिज़ल्ट आए तो आपको अपना रोल नंबर तो कम अज़ कम याद हो, क्योंकि जब एफपीएससी रिज़ल्ट देता है तो रोल नंबर बेस्ड आपके पास सामने आता है, सीएनआईसी वगैरह नहीं लिखा होता। नाम जब किसी का इमरान हो तो इमरान कई होते हैं तो पता नहीं चलता, तो रोल नंबर याद भी नहीं रहता। तो बेहतर है कि टीआर की बैग पे आप रोल नंबर लिख लें और जो एफपीएससी का कापी है उसको फाड़ के अलग कर लें, क्योंकि जब आप उधर जाएँगे तो आपको एक कापी हैंड ओवर करनी पड़ेगी एफपीएससी के। ये दूसरे नंबर पर, ये तो बहुत ही ज़रूरी दोनों चीज़ें हैं। तीसरे नंबर पर एक और ज़रूरी जो चीज़ है वो आपका दो मार्कर लेके जाना ज़रूरी है। अब बिल्कुल ज़रूरी नहीं, एक भी काफ़ी है, लेकिन एक काम नहीं भी करता तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो मार्कर कैसा हो आपने उसको कोशिश करें कि उसका जो है जो टिप है उसको पहले रब कर लें, वो थोड़ा सा मोटा हो। उसके मकसद ये है कि जब आप फिल कर रहे होंगे तो इस तरह का अगर वो बना होता है एक सर्कल, तो अगर आपका पेन या बाल पेन यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ कर सकते हैं, मार्कर यूज़ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर बाल पेन यूज़ करेंगे तो उसको बार बार ऐसे ऐसे आप रब करते रहेंगे, फिर जाके कहीं फेल होगा, तो इस तरह का आपके पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि उधर आप टाइम अपना वेस्ट करें। टाइम आपने प्रॉपर यूज़ करना है, जितनी आपकी अच्छी तैयारी उतना ही टाइम से आप केयरफुल रहें। जिसकी तैयारी नहीं होती वो इतनी टाइम की उधर कदर नहीं करता, तो जब वो टाइम की कदर नहीं करता तो टाइम उसकी भी कदर नहीं करता। खैर, ये आप लोगों को फिर जो है मैं जो चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, मकसद ये है कि आप उसको केयरफुली यूज़ करेंगे टाइम को। तो आपका जब मार्कर मोटा होगा तो इस तरह की जब आप उसको फिल करेंगे तो दो दफ़ा ऐसे आप करेंगे तो आपका वो इस तरीके से दो दफ़ा जैसे फिल करेंगे तो वो कंप्लीट फिल हो जाएगा, बार बार आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा। तो टिप को मोटा करने का मकसद मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो बेहतर है कि काला मार्कर अपने साथ दो लेके जाएं, और एक किसी अड़ोस पड़ोस वाले किसी के पास ना भी हो तो आप उसको दे सकते हैं, तो ये भी उसका फ़ायदा हो जाता है। तो मकसद आपका नेक होना चाहिए। अच्छा, ये तो चीज़ें थी जो आपने लाजमी तौर पर लेके जानी है। अपनी अगर घड़ी है तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बार बार पूछते रहें और टाइम पीस इतना दूर लगा होता है, सम टाइम लगा ही नहीं होता, तो टाइम पूछने में दिक्कत से बेहतर है कि आप अपनी अपनी जो है वॉच लेके जाएं साथ। तो ये तो थी जो चीज़ें आपने साथ में लेके जानी है, और इन टाइम पहुंचना है आपके जो आपकी सीट हो उस पे जाके बैठ जाएं। और पेपर स्टार्ट होने से पहले अगला जो नेक्स्ट है पॉइंट, पेपर स्टार्ट होने से पहले जो आपको वो आंसर शीट दी जाती है उसको आप फिल कर लें।
ठीक है, उसको फिल आपने करना है, उस पे जितना रोल नंबर है, नाम वगैरह जो कुछ डिटेल्स होती हैं वो आपने लिख लेनी है रोल नंबर स्लिप पे, जो डिटेल आपकी मेंशन होगी, केस नंबर आपको पता होना चाहिए कौन सा है, और पोस्ट का नाम क्या है, और उस किस ग्रेड के लिए है, तो वो आपको याद हो ताकि आप उसको इजीली टाइम स्टार्ट होने से पहले फिल कर लें। इस जो आपकी आंसर शीट क्वेश्चन पेपर होगा उस पे एक नंबर लिखा होता है एक्स वाई जी, जो भी नंबर लिखा होता है वो आपने इस पे जो आंसर शीट है उस पे लिखना होता है, उसको भी आप लिख लें जब आपको क्वेश्चन पेपर भी मिला होता है और आंसर शीट भी मिली होती है, तो आपने वो शीट का नंबर लिखना होता है वो आप लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपका कुछ मैथमेटिकल पार्ट है तो उसमें आपने क्या करना होता है, उसका जो सॉल्यूशन है वो एट द एंड आपने करना होता है, एट एंड आपने उसको एक्स्ट्रा वर्किंग, जो रफ वर्किंग जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं, जो लास्ट पेज है उसका एक थोड़ा सा आधा पोर्शन या कितना कुछ खाली होता है, अगर ज़्यादा हो तो वो एक एक्स्ट्रा पेज साथ लगा देते हैं। तो ये FPSC को पता होता है कि उन्होंने कितनी क्वेश्चन डाले हैं न्यूमेरिकल टाइप और उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उस तरह के आप एंड पे रफ वर्किंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा, अपने साथ में आपने कोई पेज लेके नहीं जाना और ना वहाँ पे कोई जो है स्केल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। कैलकुलेटर देख लें, अगर आपकी कोई जो है आपके रोल नंबर स्लिप पे क्लियर इंडिकेशन नहीं तो ले जाएं, अगर नहीं अलाउ करेंगे तो उधर एग्जामिनर को आप जमा करवा सकते हैं, या गेट पे जो बाहर बैठे होते हैं सेल फोन वगैरह जमा कर रहे हैं उधर जमा करवा सकते हैं, या कोई साथ गया हो तो उसको बैग में रख सकते हैं, तो किसी तरीके से भी आप उसको रख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर मसला होगा, होना चाहिए, अगर आपके क्लियर इंडिकेशन है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी नॉर्मल जो वर्किंग्स जो आपने करनी है, उसके बाद आप जब आपका टाइम स्टार्ट होता है तो आपने क्या कुछ करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि जो ही आपका टाइम स्टार्ट होता है तो इंग्लिश पार्ट सबसे पहले होता है, तो इंग्लिश पार्ट की जो वोकेबलरी वगैरह होती है वो इतनी आसान नहीं होती, भले आप जितनी भी रट्टे लगा लें फिर भी उसमें से जो अगर 10 है एंटोनिम सिनोनिम उसमें हार्डली आपको 6 से 8 तक आते होते हैं, तो आपने बाकी जो है 4 वो तुक्के ही लगाने होते हैं। तो खैर इस पे भी हम बात करते हैं कि तुक्का किस तरह लगाना है। जब आपको 6 से 8 आते हैं, लेट्स सपोज 2 आपको नहीं जो आते, उस पे क्या करना है आपने, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, तो जब आप गौर से देखेंगे तो 3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक जैसे चल रहे होते हैं, उनके मीनिंग वगैरह कुछ ना कुछ साउंड वगैरह से वो जज कर रहे होते हैं, 3 एक जगह एक डिफरेंट होता है, तो जो डिफरेंट होता है उसको आपने कर लेना होता है। अगर लेट्स सपोज एक आपके पास ऑप्शन आया उसके आंसर हैं ए बी सी डी और आपको पता चल गया ए का भी कंफर्म उसका नहीं हो सकता, डी भी कंफर्म नहीं हो सकता, अब आपके पास ऑप्शन बी और सी यानी कि जो नहीं हो सकते उनको तो ऑप्शन से ही निकाल दें, बिल्कुल ब्लाइंडली तुक्का ना लगाएं कि जी ए बी सी डी मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं ए लगा देता हूँ, ऐसे ना करें। आपको जब कंफर्म है ए भी नहीं है डी भी नहीं है तो फिर आपके पास आप देखें अगर चारों में से आप तुक्का लगाएंगे तो 25% चांस हैं कि आपका ठीक होगा, क्योंकि हर एक के हिस्से में 25% प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब अगर आप उनमें से 2 निकाल देते हैं तो अब आपके पास 2 जब ऑप्शन बच गया है तो इट्स मीन के 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका तुक्का ठीक लगेगा, तो बेहतर है कि आप उनके तुक्का भी लगाएं लेकिन सोच समझ के लगाएं, जो आंसर नहीं हो सकता उसको उस चांस से ही निकाल दें, दूसरों पे सोचें कि इन 2 में से कौन सा हो सकता है मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा तो लिहाजा मैं बी पे लगा लेता हूँ या सी पे लगा लेता हूँ, वट्स एवर, ये आपकी चॉइस मैटर करती है जब आपको उसका आंसर का नहीं पता होता। अच्छा ये तो हो गया तुक्का बी लगाने का प्लान, और दूसरे नंबर पर वोकैबुलरी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपने जो डिफरेंट साउंड का स्टाइल का आपको लगेगा वो आपने ऑप्ट करना है। उसके बाद आपका जो जो इंग्लिश ग्रामर का होता है वो आपको काफ़ी हद तक इतना मुश्किल नहीं होता, आपने सोच समझ के ये नहीं करना कि ऑप्शन ए बी सी डी आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी और फौरन से आपने ए पढ़ा और आपने जवाब को टेक कर दिया, ऐसे नहीं करना, पहले सबको पढ़ें फिर कंफर्म जो आपको लगे तो फिर आप उसको ए को ही सिलेक्ट भले कर लें, लेकिन जवाब ऐसे होते हैं कि हर एक लगता है ठीक है, सम टाइम ऐसे होता है कि जो बंदा पढ़ने वाला होता है वो पढ़ता है कि ए मैंने पढ़ा है तो ये यही ठीक है मुझे कन्फर्म है, तो वो उसको टेक कर देता है, दूसरों को पढ़ता ही नहीं है तो उसको डिफरेंस का पता ही नहीं चलता, लिहाजा क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो सारे पढ़ें और फिर उसके बाद भले वो पहले वाला ही आपको जवाब ठीक है फिर आप जो है उसको कन्फर्म कर दें। तो ये होगा कि सवाल को आपने पढ़ना है, उसके जवाब भी पढ़ने, तब जाके आपने उसको
टेक करना है या उसके खाने को फिल करना है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि आपके पास सीरीज़ चल रही होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आपके पास सर्कल होते हैं, ये चार लाइनों में तकरीबन होते हैं, 25 हर एक की लाइन में होते हैं, नंबर साथ में गिवन होता है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब आपने क्या करना होता है, कन्वीनियंट तरीके से राइट साइड पर आपने पेपर रखना होता है, ये आपके साइड पर है पेपर जहाँ पे आप फिल करेंगे, और लेफ़्ट साइड पे आपका पेपर है जो आप पढ़ रहे हैं। क्यों, आपने राइट साइड से अगर फिल कर रहे हैं तो आपको बार बार इधर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, एक साइड पे आपका पेपर है, और कोशिश करें 3-4 पेज हों तो उनके जो बार बार पेज पलटने से बेहतर है कि उसकी पेन ही निकाल दें, बाद में वो खुद पेन कर लेंगे। तो आपके जो ये जो फिल करने वाला है वो राइट साइड पे हो ताकि आप इजीली जो उसको कर सकें। यहाँ पे आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो साथ में जब आप फिल करें तो क्वेश्चन को जब खाना फिल करने लगें, ये जो सर्कल होगा, तो आपने जब फिल करने का इरादा करें तो जो क्वेश्चन नंबर है, लेट्स सपोज 20 नंबर है, तो आपने एक दफ़ा दिल में बोलना है कि 20, और फिर जाके आपने उधर फिल करने की तरफ जाना। अच्छा, अभी फिल भी नहीं करने, फिल का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि फिल आपने कैसे करने है और टाइम कैसे सेव करना है और पेपर के दरमियान में अपने रेस्ट कैसे करनी, ये सारी मैं आपको बात बताता हूँ। तो जब भी 21 है, 23 है, उसके बाद 50 है, तो जब 50 फिल करेंगे तो इधर भी जाके आपने 50 के सामने ही जाके उस पर टिक लगाना है एक दफ़ा, तो जाके करना है। तो मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट पढ़ें और फिल करने लगें तो देख लें कि कौन सा क्वेश्चन का आप ऑप्शन टिक करने जा रहे हैं, तो ये आप ऑप्शन करते जाएंगे। और साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि आपने क्या करना है, ये आपके पास जो सर्कल गिवन है तो आपने सर्कल्स को सबसे पहले फिलिंग पे नहीं लग जाना, आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आपने जब पहले आपको जवाब का पता चले तो एक को इसको फिल करते हैं ना, तो फुल फिल ना करें, सिर्फ डॉट तकरीबन इस तरह का लगा दें, और दूसरे को भी फिल करना चाहते हैं तो जो ए बी सी डी में से जो भी आपको ऑप्शन ये करते हैं, ए है, बी है, बी है, सी है और डी है, इसमें से कोई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डॉट लगा दें सी वाले पे, इसमें करना चाहते हैं दूसरी वाली ये लाइन में तो इसको डॉट लगा दें जो आपको लगता है कि ठीक है, इस वाले में करना चाहते हैं तो इसको डॉट लगा दें जो आपको ठीक लगता है। इसकी वजह क्या, जब एक दफ़ा आप पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है कि जो आपके कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो उसके रेलिवेंट आपको जवाब नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आगे चल के कोई ना कोई सवाल ऐसा होता है जो उसके जवाब को कंफर्म कर रहा होता है, लेकिन अगर पहले ही आपने उसको फिल कर दिया हो और आपको कंफर्म ना हो तो फिर दूसरे एंड पे जाके उसका हो सकता है आपको जवाब मिल जाए, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि जो पहले आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं उसको रिवर्स करें, लिहाजा ये उस वक्त काम आता है कि आपको ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कि मतलब आपने डॉट लगाने हैं, और पेपर जब आप स्टार्ट करेंगे, फिर मैं ये भी मज़ीद आपको बता दूं कि जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो पहले 40 मिनट में आपने कम से कम 60 क्वेश्चन कर लेने हैं। किस तरीके से करने हैं, आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट जो लंबी है, 3-4 इस तरह की लाइनें उसकी लगी हुई, उसको तो बिल्कुल ना भी पढ़ें ना, जो छोटी स्टेटमेंट है उसको पढ़ें, अगर कहीं छोटी स्टेटमेंट है कंफ्यूज है उसको भी स्किप कर दें। तो आपने पहले 40 मिनट में 60 क्वेश्चन जो इजी लगते हैं, छोटी स्टेटमेंट वाले लगते हैं, उनको क्लिक कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर लेट सपोज आपका 1 घंटा और 30 मिनट यानी कि तकरीबन 100 मिनट का पेपर होता है आपका, तो आपने क्या करना होता है, पहले 40 मिनट में अगर 60 कर लेते हैं तो इट्स मीन बाकी 60 मिनट में सिर्फ 40 क्वेश्चन रहते हैं, तो मेंटली आप रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो पहले आपने 40 मिनट में 60 MCQs स्किमिंग करते गए, यानी कि तेज़ी से स्पीड से करते गए, जो समझ आते गए आप उसको टिक करते गए, और कंफर्म जो हूँ उनको पहले टिक करते जाएं। अच्छा, जब आपने 40 मिनट में 60 को टिक कर लिया तो इट्स मीन के जो 60 ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपने टिक लगा दिया, ये डॉट लगा दिया, अब नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, इस तरीके से यहाँ पे भी डॉट लगा दिया, अब ये आपके पास 60 हैं। अब जब 40 मिनट आप रेगुलर पढ़ लेंगे तो आपके पास 60 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो मेंटली एक दफ़ा आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, आपको अब रेस्ट चाहिए 5-1 मिनट की। तो पेपर में MCQs बेस्ड पेपर है, आपकी रेस्ट कहाँ पे आई, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इधर उधर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, जब रोल अटेंडेंस लगवाएगा वो खुद लगवा लेगा, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं कि शीट आपकी कहाँ गई, अटेंडेंस आपकी लगी या नहीं लगी, वो लगवा लेंगे आपसे, ये उनका काम है। आपने क्या करना है,
कि इन जो आपने ये 60 खाने जिनमें डॉट लगाए थे, आपने अब 5 मिनट के अंदर अंदर मोटा मार्कर, जिसका मुंह मोटा किया होगा, आपने सिंपली उसको, ये सर्कल है तो आपका मार्कर इतना एक मोटा होना चाहिए कि एक दफ़ा इसको घुमाएं तो फेल हो जाए, एक दफ़ा इसको घुमाएं तो फेल हो जाए, एक दफ़ा घुमाएं तो फेल हो जाए, इस तरीके से, ताकि आपका टाइम सेव। आप 5 मिनट में ये 60 डॉट वालों को अपने खानों को फिल कर लेना है। अब आप मेंटली रिलैक्स हो चुके होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे, अब आप जब थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, पूरा पेपर पढ़ लेंगे और थोड़ा 60 क्वेश्चन जब आपके कर चुके हैं, तो अभी 60 मिनट रहते हैं, 40 क्वेश्चन रहते हैं, तो अब आप मेंटली जो है आपका लेवल जो है वो भी काम ज़्यादा करना शुरू कर देगा और आप सेटिस्फाई फील करेंगे, तो दिमागी तौर पर आप जो है एक्सेलरेटेड हो चुके होंगे, तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाएगी। और जब आप सारे खाने फिल कर लेते हैं तो तकरीबन आपके 50 मिनट्स गुजर चुके होते हैं। अब बाकी 50 मिनट्स में आपने 60 क्वेश्चन करने हैं। अब क्या करें, जो 20 मिनट्स नेक्स्ट जो हैं उनमें आप एक दफ़ा ये जो बाकी 40 क्वेश्चन, 50 मिनट में 40 क्वेश्चन रहते हैं, आप दोबारा जो इसको रीड करें, और जो आपको कुछ समझ नहीं आ रहे थे दरमियान में, जो सोचते हुए आपने उनका सोल्यूशन कुछ ना कुछ सोच लिया था, अब जब दोबारा स्किमिंग करेंगे तो तकरीबन जो है 10 क्वेश्चन मज़ीद आप कर चुके होंगे। अब आपके पास 30 मिनट में 30 क्वेश्चन रहते होंगे। अब तकरीबन जो है इस आधे घंटे में आप क्वेश्चन कोशिश करें कि जो नेक्स्ट 20 मिनट है उसमें 20 क्वेश्चन कर लें, और 10 मिनट जो आखिरी होंगे वो ऐसे 10 क्वेश्चन आपके पास बच जाएंगे जब आपका माइंड भी काम नहीं कर रहा होगा, टाइम शार्ट होने की वजह से आपके नर्व्स जो हैं वो भी जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो जो आखिरी 10 सवाल हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, तो आप एक तरतीब रखें, आप लाइनों का देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादातर ऑप्शन ए वाले ठीक हैं, बी वाले ठीक हैं, सी वाले ठीक हैं, कौन से ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। जिनका कन्फर्म है ट्रेंड उनका देखें, अगर आपको लगता है कि ए वाले मैक्सिमम उनमें से ठीक हैं, तो जो बाकी 10 क्वेश्चन रहते हैं सब के सब को ए उनको फिल कर दें, बी किसी का भी ना करें। अगर आपको लगता है कि बी वाले ज़्यादा ठीक लग रहे हैं तो बी सब के सब जो है, जो तुक्के आपने लगाने, उनकी ए की लाइन को लगाएं, ताकि आपके उन 10 में से 3-4 तो ठीक हो ही जाएँ, सारे के सारे तो ठीक नहीं होंगे। अगर सारे किसी का ए करते हैं, किसी का बी करते हैं, किसी का सी करते हैं, तो इस तरीके से सारे के सारे भी गलत हो सकते हैं। लेकिन मैंने फिर जैसे आपको पहले ऑप्शन बताया था कि ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, लेकिन तुक्का जब लगा रहे हैं, अगर आपको पता है कि इसका ए भी आंसर नहीं है, बी आंसर भी नहीं है, तो सी और डी में से एक टिक करना है, तो तुक्का सोच समझ के लगाएं। लेकिन ब्लाइंड जब आपको बिल्कुल नहीं पता ए बी सी डी, और ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको बिल्कुल नहीं आइडिया, उनके सिर्फ बी वाले फिल करते जाएं, बी वाले फिल करते जाएं, तो आपके 3-4 इसमें से भी ठीक हो जाएंगे, तो और इस तरीके से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और जब कोशिश करें कि टाइम से पहले जो है उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर जिनकी कैलकुलेशन क्वेश्चंस की है उनकी कैलकुलेशन करें, और जो है उसको प्रॉपरली पेपर को फिल करें, और एंड पे जो है देख लें आपके कोई भी क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 100 तक सारे जो सर्कल हैं वो फिल हो चुके हैं या नहीं, कोई सर्कल रहता है तो उस क्वेश्चन को देख लें कि वो क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन को दोबारा रीड करें, और उसके खाने को तुक्का लगाना है या वैसे फिल करना है, अगर समझ में आ जाता है तो फिल करें। इस तरीके से अपने टाइम को पूरा कंज्यूम करें। 10 मिनट पहले उठ के कोई आपको इनाम नहीं देगा, 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर को देने से पे आपको कोई इनाम नहीं देगा। प्रॉपर अपने होश व आवास में रह के ध्यान से पुरसकून होकर ये टाइम अवेल करें। ये आपके पास ऑप्शन, FPSC में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लिहाजा आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कहीं नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। लिहाजा तुक्का लगाने पे कोई कीमत आपको नहीं चुकानी पड़ेगी, छोड़ने की आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, तुक्का लग जाता है, तो लिहाजा तुक्के ज़रूर लगा के आएँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश ना करें। तो ये मेरा था एक जो जनरल आइडिया था आपको कि आप पेपर को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, सारे के सारे जो सवाल जो पहली दफ़ा जा रहे हैं या पहले भी जो अटैम्प्ट। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको उसको बताना भूल गया कि आपके मार्कर की जो आप जो मार्कर लेके जाते हैं वो 10 रुपये का होता है, 10 से 20 रुपये का, लेकिन आपने जो टाइम स्पेंड किया होता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मैंने लोगों को देखा कि जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, एक खाना फिल किया, मार्कर का जो है वो कैप उसकी उतारी, फिर जो लगाई, फिर उतारी, फिर लगाई, फिर उतारी, फिर लगाई, इस तरीके से टाइम जो ज़ाया कर रहे होते हैं। आपका मार्कर एक घंटे में बिल्कुल खुश्क नहीं होगा, इसीलिए कह रहा था कि 2 मार्कर लेके जाएं और उसका जो पेन का जो कैप है उसको साइड पे रख दें, आप सिर्फ फिल करें, अपने जो एक एक सेकेंड को बचाएं और कैप को उतारने चढ़ाने पर ना लगे रहें। और वर्किंग के लिए लेड पेंसिल ले जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको टाइम अलाउ देता है करता है तो ठीक है, वरना जो आपकी बाल पेन है उसी के साथ ही आप जो है
रफ वर्किंग कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लेड पेंसिल हो। लेड पेंसिल का ये फ़ायदा है कि आपके पास स्पेस कम है और बड़ा बड़ा लिखते हैं आप, तो एक दफ़ा आपके जो वर्किंग करने के बाद उसको रब करके रिमूव करके दोबारा उस पर वर्किंग आप कर सकते हैं उसी जगह पर। लेकिन कोशिश करें कि जो आपके पास खाली पेज आपको मिलता है तो उसके इस तरीके से 3-4 जो है लाइनें लगा दें, इसमें रफ वर्किंग करते रहें, ये खाली ख़त्म हो जाती तो इस अगली वाली पोर्शन में आप रफ वर्किंग कर लें, इस तरीके से मैनेज हो जाता है। अगर सिंपली आप एक ही पेज पर रफ वर्किंग करेंगे तो इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे तो स्पेस आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब बॉल पेन था आपके पास तो अब तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं उसको रिमूव करने को, एक्स्ट्रा पेज मिलता भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने पेपर को बेटर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और अपनी कंसंट्रेशन को कंसंट्रेट रखें। और इंपॉर्टेंट एक और बात बता दूँ, आप जब पेपर कर रहे होंगे तो आप ये समझें कि आप एक घोड़ा, आप जो है एक एथलेटिक्स में हैं या किसी एक रेस में हैं, और इस हर रेस पे जब आपके एक इतने सारे लोग हैं वो शूट लगाना चाहते हैं इस रास्ते पे, तो कई सारे लोग होंगे जो लेट दौड़ लगाना शुरू करेंगे, और आपने कोशिश करना है कि सबके साथ आगे आगे होना है, और हर क्वेश्चन पे टिक करते हुए आपने इस रेस में आगे एक्सेल करना है। तो जब भी टिक करें तो सोच समझ के टिक करें, पढ़ के करें और सोच के करें, क्योंकि ये रेस आपने विन करनी है, और विन वही करेगा जो सही अच्छे तरीके से इन टाइम स्टेप लेगा। तो ये आपके 100 मीटर की रेस है और हर क्वेश्चन जो है 1 मीटर के इक्वल है, और 1 मीटर को आपने सही अच्छे तरीके से कवर किया तो आपने 100 मीटर की रेस को विन करना है। तो कम से कम ये आपके माइंड में होगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, आप पेपर को कंसंट्रेशन के साथ अच्छे तरीके के साथ अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ये मेरे आप बीइंग स्टूडेंट, बीइंग यंग ब्रदर्स, मैं और जो मेरे स्टूडेंट, आप काफ़ी मतलब मेरे साथ एक इंटरेक्शन रहता है, तो अल्टीमेटली आज जो है हमारा सेशन ये एंड हो रहा है। तो मेरा जो फ़र्ज़ बनता था कि आप लोगों को जितनी एक अच्छी सजेशंस हैं वो दूं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर पहले आप पेपर दे चुके हैं तो भी आपको हेल्पफुल साबित होंगी, अगर आप पहले पेपर में नहीं गए तो पहले ही आपको मैं ये एडवाइस कर रहा हूं, तो आप पेपर के बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये आपके लिए कितने हेल्पफुल टिप्स थे जो मैंने दिए, और हमने जो है ये अपने आजमाए हुए हैं, हमने ये ऑब्ज़र्व किए हैं और बड़ी जतन के बाद ये चीज़ें सीखी थी जो आपको मैं एट दी हैंड 20-22 मिनट में घर बैठे आपको आपकी दहलीज पे गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिए, और आपको बेस्ट विशेज़ हैं मेरी तरफ़ से। खुदा हाफिज़।